नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी 92 पर। मेरा नाम अमरीश कुमार। दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 10th का बायोलॉजी पार्ट 5 नियंत्रण एवं समन्वय से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर लेकर आया हूं। दोस्तों ऑब्जेक्टिव जो है यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो बोर्ड में लगभग 35 नंबर का प्रश्न पूछा करता है। तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं और आप लोग को बता देता हूं, ठीक है। मैं वही प्रश्न कराता हूं जो बार बार बोर्ड में रिपीट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों मैं शुरू करता हूं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्य का नियंत्रण कैसे होता है। दोस्तों यह प्रश्न जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है तंत्रिका द्वारा, ऑप्शन बी दिया हुआ है रसायनों द्वारा, ऑप्शन सी दिया हुआ है तंत्रिका एवं रसायनों दोनों द्वारा, और ऑप्शन डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन मेरा होगा सी, तंत्रिका एवं रसायनों के द्वारा। दोस्तों इसमें क ख ग घ दिया हुआ है तो लेकिन उसमें बोलने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसलिए मैं ए बी सी डी कर दिया हूं, ठीक है। दोस्तों अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो फटाफट इस चैनल को क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी आने वाली पहली नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों दो नंबर प्रश्न है कि एविसिक एसिड किस तरह का रसायन है। दोस्तों एविसिक एसिड किस तरह का रसायन है, ऑप्शन दिया हुआ है ऑक्सिन की तरह, ऑप्शन बी दिया हुआ है जेबरिलिनसन की तरह, ऑप्शन डी दिया है साइटोकालिन की तरह, ऑप्शन डी दिया है बुद्धि रोधक। तो दोस्तों दो नंबर का आंसर मेरा क्या होगा, तो दोस्तों दो नंबर का ऑप्शन होगा मेरा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बुद्धि रोधक, ठीक है। यहां तक आपने समझा। चलिए प्रश्न संख्या 3 पे हम चलते। प्रश्न संख्या 3 दिया है कि बीज रहित पौधे के उत्पादन में ये सहायक होते हैं। दोस्तों ऑप्शन मेरा है पहला कि साइटोकाइनिन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है जेबरिलेंस, ऑप्शन डी है ऑक्सीजन एवं जेबरिलेंस दोनों। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, तो इसका दोस्तों आंसर होगा मेरा ऑप्शन नंबर घ, ऑक्सीजन एवं जेबरिक दोनों, ठीक है। पांच नंबर प्रश्न आपके सामने कि इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। दोस्तों पहला है ऑक्सिन, दूसरा है जेबरिंस, तीसरा ऑप्शन है एथलीन, ऑप्शन डी है साइटोकाइनिन, ठीक है। तो ऑप्शन इसका आंसर समझ ली, इसका आंसर होगा है मेरा एथिनील, ठीक है। उसके बाद पांच नंबर प्रश्न है आपके सामने कि मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय संबंधन तथा श्वसन गति की दर को नियंत्रण रखता है, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है सेरिब्रम, ऑप्शन बी दिया हुआ है मेडुला, ऑप्शन सी दिया है सेरिबेलम, ऑप्शन डी दिया है डाइनसेफलान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो पांच का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मेडुला, ठीक है। उसके बाद चलते हैं छह नंबर प्रश्न पे कि इनमें कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। दोस्तों यह प्रश्न है इंपोर्टेंट प्रश्न है कि इनमें कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है सेरिबलम, ऑप्शन बी दिया हुआ है मेरा मेडुला, ऑप्शन सी दिया हुआ है सेरिब्रम, ऑप्शन डी दिया हुआ है कॉर्पस केलांस। दोस्तों ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप मुझसे कोई भी आपको कहीं भी डाउट हो रहा है तो इस मेरे व्हाट्सएप नंबर से आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं 6 नंबर का आंसर आप लोगों को बता दूं कि ऑप्शन सी होगा मेरा आंसर, 6 नंबर का सेरिब्रम, ठीक है। चलिए 7 नंबर प्रश्न है कि हार्मोन स्रावित होता है। दोस्तों हार्मोन कहाँ स्रावित होता है, अंश्रावित ग्रंथियों से होता है, या बाह्यस्रावित ग्रंथियों से होता है, या नालिका ग्रंथि से होता है, या कोई नहीं। तो दोस्तों 7 का राइट आंसर होगा मेरा ए, अंश्रावित ग्रंथियों से होता है। 8 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि एड्रोजेन है क्या है, नरलिंग हार्मोन है या स्त्रीलिंग हार्मोन है या पाचक रस है या पाराथायराइड हार्मोन है, ठीक है। तो दोस्तों 8 का राइट आंसर मेरा क्या होगा, ऑप्शन नंबर क होगा यानी कि ए होगा नरलिंग हार्मोन, ठीक है। फिर चलते हैं हम आगे। 9 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि एंड्रोजन स्रावित होता है, एंड्रोजन स्रावित होता है कहाँ होता है, वृषण द्वारा, अंडाशय द्वारा, लिग रहेस के द्वीपिकाओं द्वारा या थायराइड द्वारा। तो दोस्तों 9 का राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा अंडाशय द्वारा, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं। चलिए अब आगे हम प्रश्न पे आ गए हैं कि यह मेरा पार्ट 2 वीडियो था, लेकिन मैं एक ही वीडियो में आज आप लोगों के सामने मैं यह पूरा ऑब्जेक्टिव बता दूंगा इस पार्ट का। यह आखिरी पार्ट है और क्या है कि इसका आखिरी ऑब्जेक्टिव भी है, मैं नेक्स्ट डे आप लोगों को पार्ट 6 पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं हम। एक नंबर प्रश्न आपके सामने है कि आयोडीन की कमी से कौन सा हार्मोन
कम बनता है, ठीक है। ऑप्शन है थायरिक्सिन, ऑप्शन बी है एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी है ट्रेसोस्टेरोन, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर मेरा क्या होगा, आयोडीन की कमी से कौन से स्रावित की हार्मोन बनता है, ठीक है। तो थायराइड्स बनता है या ट्रेसोलाइट बनता है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा मेरा ए, थायरारिक्शन बनता है। अब दो नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है, इंसुलिन है ऑप्शन दिया हुआ है, थायरिक्शन है ऑप्शन दिया हुआ है, एड्रोजन है और साइटोकाइनिंग है। तो दोस्तों दो का राइट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों राइट दो आंसर होगा मेरा ऑप्शन नंबर घ, साइटोकाइनिंग में होता है, ठीक है। तीन नंबर प्रश्न है कि दो तंत्रिकाओं कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, क्या कहते हैं, द्रुमिका कहते हैं या सेनेटिक दरार कहते हैं या एंजाइम कहते हैं या आवेग कहते हैं। तो तीन का राइट आंसर मेरा क्या होगा, तो ख होगा ऑप्शन, यानी कि सिनेटिक दरार। चार नंबर प्रश्न है आपके सामने कि मस्तिष्क उत्तरदायी है, क्या है, सोचने के लिए है, हृदय संपादन के लिए है या शरीर का संतुलन बनाए के लिए है, उपयुक्त सभी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त, ये सभी के लिए है, ठीक है। पांच नंबर चलते हैं प्रश्न पे कि पांच नंबर प्रश्न है पौधे की वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए हार्मोन जंतुओं द्वारा स्रावित हार्मोन होता है क्योंकि यह उत्पन्न होता है, क्या होता है, जटिल कार्बोहाइड्रेट से होता है, प्रोटीन से होता है या संतृप्त वसा से होता है या घ क और ग और घ होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रोटीन से, ठीक है। तो चलते हैं फिर आगे की ओर हम, चलिए छह नंबर प्रश्न आपके सामने है कि अधिकतर पादप नियंत्रण उत्पन्न होते हैं, ठीक है, अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन दिया हुआ बढ़ते तने के अग्रभाग पर, ऑप्शन बी दिया हुआ बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर, ऑप्शन सी दिया है फ्लोएम की संवहनी नलिकाओं पर, ऑप्शन घ दिया है क और घ दोनों पर, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, तो छे का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, यानी क और ग पर, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं सातवां प्रश्न पे कि बीज रहित फलों को बनने को कहते हैं, क्या कहते हैं, अनिषेचक फलन कहते हैं या अनिषेचक अंडडपी कहते हैं या अग्र प्रभाविकता कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो सात का राइट आंसर मेरा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ग, अग्र प्रभाविकता, ठीक है। आठ नंबर प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित पादप नियंत्रणों में कौन बुद्धि रोधक है, तो ऑप्शन दिया है एबिसिक अम्ल, ऑप्शन बी दिया है ऑक्सिन, ऑप्शन सी दिया है जेबरीन, ऑप्शन डी दिया है थायरीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आठ का, तो आठ का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, यानी कि एब्सिक अम्ल, ठीक है। नौ नंबर प्रश्न पे चलते हैं हम, निम्नलिखित में कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है, तो ऑप्शन दिया हुआ है जेबरीन पाया जाता है या ऑक्सिन पाया जाता है या इथिलाइन पाया जाता है या एविसिक अम्ल पाया जाता है। तो नौ का राइट आंसर मेरा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ग, सॉरी इथेनाइल पाया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं दस नंबर प्रश्न में कि कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है एविसिक अम्ल, जैबरिक, इथेनाइल और ऑक्सिन। तो 10 का राइट आंसर भी क्या होगा मेरा, ग ही होगा, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि पौधे की ऊंचाई इसके कारण बढ़ती है, दोस्तों पौधे की ऊंचाई किसके कारण बढ़ती है, ऑक्सिन के द्वारा बढ़ता है या साइटोकाइलिन के द्वारा बढ़ता है या जेबरीन के द्वारा बढ़ता है या इथेनाइल के द्वारा बढ़ता है। तो 11 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर मेरा क, ऑक्सिन के द्वारा, ठीक है। फिर चलते हैं 12 नंबर प्रश्न पे कि वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है क्या कहलाती है, तो ऑप्शन दिया हुआ है ग्राही कहलाती है या प्रभावक कहलाती है या उत्तरदायी कहलाती है या बैचेनी कहलाती है। तो 12 का राइट आंसर मेरा क्या होगा, ऑप्शन नंबर क, यानी ग्राही कहलाती है, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन दिया है अग्नाशय, ऑप्शन बी दिया है थायराइड, ऑप्शन दिया है
पैराथायराइड, ऑप्शन दिया है पिट्यूटरी। ठीक है, तो इसका 13 का राइट आंसर मेरा क्या होगा, तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, यानी कि अग्नाशय। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी मास्टर ग्रंथि कहलाती है। ठीक है, ये प्रश्न जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद जरूर करिएगा। एड्रिनल थायराइड ऑप्शन डी दिया है, पेरा थायराइड ऑप्शन डी है पिट्यूटरी। तो दोस्तों 14 का राइट आंसर होगा मेरा घ, यानी कि पिट्यूटरी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 15वां प्रश्न पे कि नर हार्मोन का नाम क्या है। दोस्तों नर हार्मोन का नाम क्या है आप बता सकते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा नर हार्मोन का नाम। एड्रिनल, इंसुलिन, टेक्सोलिन, एस्ट्रोजन। तो चलिए मैं बता दूं फिर आप लोगों को कि 15 का राइट आंसर होगा मेरा ऑप्शन नंबर ग, टेक्सो एस्टो एस्टीरोन। ठीक है, उसके बाद 16वां प्रश्न है, इंसुलिन का स्राव होता है, इंसुलिन का कहाँ स्राव होता है दोस्तों, थायराइड के द्वारा होता है या पैराथायराइड के द्वारा होता है या अग्नाशय के द्वारा होता है या एड्रोजोनन के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर 16 का क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय के द्वारा। ठीक है, 17वां प्रश्न है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृषक के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है। ऑप्शन दिया हुआ है गोनेड्रस, ऑप्शन बी दिया है पिट्यूटरी, ऑप्शन सी दिया हुआ अग्नाशय, ऑप्शन डी एड्रिनल। तो दोस्तों 17 का राइट आंसर मेरा क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एड्रिनल। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं 18वां प्रश्न आपके सामने है कि उस ग्रंथि का नाम बतावें जो मस्तिष्क के उधार पर स्थित होती है। तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है पिट्यूटरी, ऑप्शन बी दिया हुआ है पैराथायराइड, ऑप्शन सी दिया हुआ है अग्नाशय, ऑप्शन डी दिया हुआ है एड्रिनल। तो दोस्तों 18 का राइट आंसर क्या होगा, तो 18 का राइट आंसर होगा दोस्तों घ, एड्रिनल। ठीक है, 19वां प्रश्न आपके सामने है कि कौन सी नालिका विहीन ग्रंथि है। तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है गैड्रिसन, ऑप्शन डी दिया है लैच रिमल, ऑप्शन डी दिया हुआ है एड्रिनल, ऑप्शन डी दिया हुआ है सलाई वरी। तो दोस्तों 19 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि ग, एड्रिनल। ठीक है, 20वां प्रश्न है कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो सकता है कि मस्तिष्क मेरुरज्जु तंत्रिका कोशिका या तंत्रिका। तो ऑप्शन मेरा सी क्या होगा आंसर होगा तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 21वां प्रश्न है कि जब पादप वृद्धि काल में एक दिवसीय प्रकाश से प्रदीप्त होता है तो वह प्रकाश की दिशा में झुकने की अनुक्रिया करता है, उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन दिया है प्रकाशानुवर्तन, ऑप्शन बी दिया हुआ है रसायनुवर्तक, ऑप्शन डी दिया हुआ है गुरुत्वानुवर्तन, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर मेरा क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क। ठीक है, 22वां प्रश्न है, जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है प्रकाशग्राही, ऑप्शन बी दिया हुआ है घ्राण ग्राही, ऑप्शन डी दिया है श्रवण ग्राही, ऑप्शन डी दिया है स्पर्श ग्राही। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी घर्ग ग्राही। 23वां प्रश्न आपके सामने है कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। अब कौन सी कोशिका है यह देख लेंगे यहाँ पे हम, कि तंत्रिका कोशिका है या श्वेत कोशिका है या रुधिर कोशिका है या लाल रुधिर कणिकाएं हैं या त्वचा कोशिकाएं हैं। तो इसका राइट आंसर मेरा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर मेरा ए होगा, यानी कि तंत्रिका कोशिका। ठीक है, चलते हैं 24वां प्रश्न पे कि मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि है। तो दोस्तों मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कौन सी है, तो जानते हैं हम, आगे चलते हैं फिर यहाँ से। ऑप्शन नंबर दिया है पारावटु ग्रंथि, ऑप्शन बी दिया है एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन सी दिया हुआ है अट्टू ग्रंथि, ऑप्शन डी दिया है पीयूष ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर मेरा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा पीयूष ग्रंथि। चलिए फिर 25वां प्रश्न पे चलते हैं कि पादप की लंबाई में वृद्धि निम्न से किसके कारण होती है। ऑप्शन डी दिया हुआ है ऑक्सिन के द्वारा होती है या साइटोकाइनिन के द्वारा होती है या जेवरिन के द्वारा होती है या एबिसिक अम्ल के द्वारा होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। 26वां प्रश्न आपके सामने है कि ब्रिक
के ऊपर स्थित अंशस्रावी ग्रंथि है। अब कौन सी ग्रंथि है, तो पीयूष ग्रंथि है, या पीनियल ग्रंथि है, या अधिवृक्क ग्रंथि है, या अट्टू ग्रंथि है। तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग अधिवृक्क ग्रंथि। अगर मेरे वीडियो आप लोग को दोस्तों अच्छी लगी हो तो एक लाइक बटन को दबाइएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।